राजाओं का वृत्तांत दूसरा भाग अध्याय दो। राजाओं का वृत्तांत दूसरा भाग अध्याय दो। एलिया का स्वर्गारोहण। जब यहोवा एलिया को बवंडर के द्वारा स्वर्ग में उठा लेने को था, तब एलिया और एलिशा दोनों संग संग गिलगाल से चले। एलिया ने एलिशा से कहा, यहोवा मुझे बेतेल तक भेजता है, इसलिए तू यही ठहर का रह। एलिशा ने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। इसलिए वे बेतेल को चले गए, और बेतेलवासी भविष्यवक्ताओं के चेले एलिशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? उसने कहा, हाँ मुझे भी यह मालूम है, तुम चुप रहो। और एलिया ने उससे कहा, हे एलिशा, यहोवा मुझे यरीहो को भेजता है, इसलिए तू यही ठहरा रहा। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। सो वे यरीहो को आए, और यरीहोवासी भविष्यवक्ताओं के चेले एलिशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? उसने उत्तर दिया, हाँ मुझे भी मालूम है, तुम चुप रहो। फिर एलिया ने उससे कहा, यहोवा मुझे यरदन तक भेजता है, सो तू यही ठहरा रहा। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। सो वे दोनों आगे चले, और भविष्यवक्ताओं के चेलों में से 50 जन जाकर उसके सामने दूर खड़े हुए, और वे दोनों यरदन के तीर पर खड़े हुए। तब एलिया ने अपनी चद्दर पकड़कर ऐंठ ली और जल पर मारा, तब वह इधर उधर दो भाग हो गया, और वे दोनों स्थली स्थल पार उतर गए। उनके पार पहुंचने पर एलिया ने एलिशा से कहा, उससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं वह मांग। एलिशा ने कहा, तुझ में जो आत्मा है उसका दूना भाग मुझे मिल जाए। एलिया ने कहा, तूने कठिन बात मांगी है, तो भी यदि तू मुझे उठा लिए जाने के बाद देखने पाए तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, नहीं तो न होगा। वे चलते चलते बातें कर रहे थे कि अचानक एक अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़ों ने उनको अलग अलग किया, और एलिया बवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया, और उसे एलिशा देखता और पुकारता रहा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इसराइल के रथ और सवारों। जब वह उसको फिर देख न पड़ा, तब उसने अपने वस्त्र पकड़े और फाड़कर दो भाग कर दिए। फिर उसने एलिया की चद्दर उठाई जो उस पर से गिरी थी, और वह लौट गया और यरदन के तीर पर खड़ा हुआ, और उसने एलिया की वह चद्दर जो उस पर से गिरी थी पकड़कर जल पर मारी और कहा, एलिया का परमेश्वर यहोवा कहाँ है? जब उसने जल पर मारा, तब वह इधर उधर दो भाग हो गया और एलिशा पार हो गया। उसे देखकर भविष्यवक्ताओं के चेले जो यरीहो में उसके सामने थे कहने लगे, एलिया में जो आत्मा थी वही एलिशा पर ठहर गई है। सो वे उससे मिलने को आए और उसके सामने भूमि तक झुककर दंडवत की। तब उन्होंने उससे कहा, सुन, तेरे दासों के पास 50 बलवान पुरुष है, वे जाकर तेरे स्वामी को ढूंढे। संभव है कि क्या जाने यहोवा के आत्मा ने उसको उठाकर किसी पहाड़ पर व किसी तराई में डाल दिया हो। उसने कहा, मत भेजो। जब उन्होंने उसको यहां तक दबाया कि वह लज्जित हो गया, तब उसने कहा, भेज दो। सो उन्होंने 50 पुरुष भेज दिए, और वे उसे 30 दिन तक ढूंढते रहे, परंतु न पाया। उस समय तक वह यरीहो में ठहरा रहा। सो जब वे उसके पास लौट आए, तब उसने उनसे कहा, क्या मैंने तुमसे न कहा था कि मत जाओ? एलिशा के दो आश्चर्य कर्म। उस नगर के निवासियों ने एलिशा से कहा, देख, यह नगर मन भावने स्थान पर बसा है जैसा मेरा प्रभु देखता है, परंतु पानी बुरा है
और भूमि गर्भ गिराने वाली है। उसने कहा, एक नए प्याले में नमक डालकर मेरे पास ले आओ। वे उसे उसके पास ले आए, तब वह जल के सोते के पास निकल गया और उसमें नमक डालकर कहा, यहोवा यो कहता है कि मैं यह पानी ठीक कर देता हूं, जिससे वह फिर कभी मृत्यु व गर्भ गिरने का कारण न होगा। एलिशा के इस वचन के अनुसार पानी ठीक हो गया और आज तक ऐसा ही है। वहां से वह बेतेल को चला और मार्ग की चढ़ाई में चल रहा था कि नगर से छोटे लड़के निकलकर उसका ठट्टा करके कहने लगे, हे चंदुए चढ़ जा, हे चंदुए चढ़ जा। तब उसने पीछे की ओर फिरकर उन पर दृष्टि की और यहोवा के नाम से उनको श्राप दिया। तब जंगल में से दो रिछनियों ने निकलकर उनमें से 42 लड़के फाड़ डाले। वहां से वह कर्मेल को गया और फिर वहां से शोमरोन को लौट गया।